हेलो गाइस, मेरा नाम बीओ में आप देख रहे हो भी के स्पेशल यूट्यूब चैनल को। और गाइस, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा पेटीएम का एटीएम कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं, अपने घर के पते पे कैसे मंगवाते हैं। अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आप किस तरह से एटीएम कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो और आप किस तरह से अपने घर के पते पे मंगवा सकते हो, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पेटीएम एप्लीकेशन का एटीएम कार्ड को ऑर्डर करने के लिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एंड गाइस, आपको एक बात का ये ध्यान रखना कि आपके पेटीएम एप्लीकेशन की फुल केवाईसी रहना चाहिए। अगर आपसे केवाईसी करते नहीं बनता है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख के केवाईसी कर सकते हो। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी एंड आपको आई बटन में भी आ रही होगी, तो आप क्लिक करके उस वीडियो को देख के पूरी केवाईसी कर सकते हो। तो गाइस, जब आपकी केवाईसी हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एंड पेटीएम एप्लीकेशन कुछ इस तरह का ओपन होगा। एंड उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेटीएम बैंक का, तो आपको इधर पर क्लिक करना पेटीएम बैंक वाले ऑप्शन में। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपका यूपीआई पिन मांगेगा, तो आपका जो भी यूपीआई पिन रहेगा आपको वो यूपीआई पिन को दे देना है, ठीक है। तो मैं यूपीआई पिन को दे दिया एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब गाइस, इधर पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एटीएम कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कुछ इस तरह का आपको एटीएम कार्ड देखने के लिए मिल जाता है आपका। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको इधर पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा एंड आपका एटीएम कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर की तरफ, तो मैंने ब्लर कर रखा है। एंड उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड का, तो आपको क्लिक करना रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन में। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। तो गाइस, कुछ इधर पर चार्ज वगैरह आपका लगेगा, तो मैं आपको पूरा का पूरा चार्ज बता देता हूँ आपका कितना क्या चार्ज लगने वाला है। तो अगर आप इस एटीएम कार्ड को ऑर्डर करते हो एंड अपने घर के पते पे मंगवाना चाहते हो तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसका चार्ज लगता है 250 रुपये, ये आपके घर तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले 250 रुपये देना पड़ेगा पेटीएम के द्वारा। एंड जब आप 250 रुपये दे दोगे तो आपका ऑर्डर हो जाएगा एंड जब ये आप तक पहुंच जाएगा एंड आप इस कार्ड को यूज करोगे तो आपको पर मंथ 150 रुपये और देना पड़ेगा पर मंथ। तो कुछ इतना इसमें चार्ज लगता है। तो अब आपको ऑर्डर करने के लिए आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली लेगा पहले से, क्योंकि आपने एड्रेस वगैरह दिया होगा। एंड उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप इस डिटेल को पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आपको इसको ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रोसेस पे 250 रुपीज़, तो आपको क्लिक करना है 250 रुपये पे। एंड जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा, तो आपको अपना यूपीआई पिन देना है, ठीक है। तो मैं अपना यूपीआई पिन को दे देता हूँ। यूपीआई पिन देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो 250 रुपये वो पे होने लगेंगे। इधर पर मेरा पे हो चुका है, देख सकते हो 250 रुपये पे हो गए एंड आपका जो है कार्ड जो है ऑर्डर हो चुका है। तो आप देखो यार, इधर से आपको बैक चले जाना है कुछ इस तरह से। जैसे आप बैक चले जाते हो तो आपका जो कार्ड है वो ऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है डेबिट कार्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हो, तो आपको इधर पर क्लिक करना है एंड ये पूरा का पूरा ऑर्डर हो गया एंड ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देखो यार, कुछ इसी तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।